और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:43 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:12 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैद्यत योग शुरू हो जाएगा। अगर इंद्र योग की बात करें तो इस योग में राज्य पक्ष का कार्य रुका हो तो उसे करने का प्रयास करेंगे तो वो अवश्य पूरा होगा, और वैद्यत योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज सुबह 7:05 तक ज्येष्ठा नक्षत्र था, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो गया है। मूल नक्षत्र कल की सुबह 6:48 तक रहेगा। 27 नक्षत्रों में मूल को 19वां नक्षत्र माना जाता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले इंद्र योग, वैद्यत योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन के खास एलिमेंट यानी शुक्राचार्य के मिथुन राशि में प्रवेश की। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 5:10 पर शुक्राचार्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त की देर रात 2:03 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। शुक्र के मिथुन राशि में इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूसरों के सामने आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख पाएंगे। साथ ही आपको अपने माता पिता से भी सुख की प्राप्ति होगी, उनसे आपको अपने हर कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप 31 अगस्त तक घर पर ही किसी धार्मिक अनुष्ठान यानी पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको अच्छा फील आएगा और आप नई चीज़ों पर काम कर पाएंगे। शुक्र के शुभ फलों को और भी शुभ बनाने के लिए घर की अपने से रिश्ते में बड़ी महिलाओं के रोज पैर छूकर आशीर्वाद लें और प्रत्येक महिला का सम्मान करें। वृष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और सांसारिक सुख पाने में आपको आसानी होगी। आपसे 31 अगस्त तक उन लोगों को बहुत अधिक फायदा होगा जो पशुपालन या कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कुम्हार वगैरह। आपको इस दौरान संतान सुख का भी आनंद मिलेगा, लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त तक प्रतिदिन मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। मिथुन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके पहले स्थान यानी लग्न पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से परिस्थितियां लगभग आपके लिए फेवरेबल बनी रहेंगी। आपको नौकरी में उचित पद प्राप्त होगा, साथ ही वाहन आदि का सुख भी आपको मिलेगा। अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं तो आपके लिए जल्द ही बेहतर रिश्ते आएंगे। हालांकि अब से 31 अगस्त तक आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त तक भोजन में गुड़ खाना अवॉइड करें। साथ ही जीवन साथी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में 7 अनाज का दान करें। कर्क राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिशें जारी रखनी होगी, साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। 31 अगस्त तक आपको अपने कार्यों के लिए खुद ही कदम उठाना पड़ेगा, किसी और से ज़्यादा उम्मीदें लगाकर न रखें। इस बीच आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रख करके चलना चाहिए। साथ ही शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर की किसी महिला को एक नीला फूल लेकर अपने हाथों से घर से दूर किसी वीरान जगह पर दबा देना चाहिए, इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो जल्द ही दूर होंगी। सिंह राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आप चतुर हो जाएंगे। हालांकि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी, मेहनत रंग जरूर लाएगी। इसके अलावा इस दौरान आप अपने विचारों पर काबू पाने में असफल होंगे, एक काम को लेकर बार बार आपके विचारों में बदलाव आते रहेंगे। आप दूसरों से छिपकर काम करने की भी कोशिश करेंगे। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में ज्योत के लिए रुई का दान करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी, आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा। इस दौरान आपके साथ साथ आपके पिता की भी तरक्की सुनिश्चित होगी, आपको अपने जीवन साथी से पूरा सुख मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी,
साथ ही आपको वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होगा और आपको अपने आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए शुक्रवार के दिन मंदिर में दही का दान करें। तुला राशि वालों, शुक्राचार्य आपके नवें स्थान यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे, साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बुजुर्गों को धन लाभ होगा, हालांकि आपको अपनी बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखनी होगी, साथ ही संतान से सुख पाने के लिए भी आपको कोशिश करनी होगी। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर के बाहर जमीन में थोड़ा सा शहद दबाएं, इससे आपके शुभ फल सुनिश्चित होंगे। वृश्चिक राशि वालों, शुक्राचार्य आपके आठवें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन आपको अपने खाने पीने को लेकर सतर्क रहना होगा। इसके अलावा शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आप किसी से किया हुआ वायदा जरूर पूरा करेंगे और अपनी बात का मान रखने में सफल होंगे। हालांकि 31 अगस्त तक आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों के लड़ाई झगड़ों में पड़ने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान किसी से भी कोई चीज़ उधार लेना अवॉइड करें। शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में ज्वार का दान करें, साथ ही अपने इष्ट देव के सामने रोज सिर झुकाएं, इससे आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे। धनु राशि वालों, शुक्राचार्य आपके सातवें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल बना रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। इस बीच आपको परिवार का पूरा सुख मिलेगा, साथ ही धन लाभ भी होगा, संतान के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे। इस बीच आपको बिजनेस या किसी अन्य काम से संबंधित महत्वपूर्ण यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन मंदिर में किसी एक कोई एक कांसे का बर्तन दान करें। मकर राशि वालों, शुक्राचार्य आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपके आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपको अपने मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस बीच आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपकी सांसारिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपके भाइयों की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने का या गोल्डन हेयर क्लिप लगाकर रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वालों, शुक्राचार्य आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको सब तरह का सुख प्राप्त होगा, गुरु के सहयोग से आप जीवन में तरक्की करेंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, साथ ही धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार में आपका प्यार बना रहेगा। इस दौरान आपको अलग अलग सौंदर्य प्रसाधनों को इकट्ठा करके रखने की इच्छा होगी। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय को उबले हुए आलू ठंडा करके खिलाएं, साथ ही माता की सेवा करें, इससे आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। ये स्थान भूमि, भवन और वाहन का होता है, सुख का स्थान भी है। लिहाजा इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस दौरान मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी, साथ ही 31 अगस्त तक आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का बड़ा असर सामने दिखाई देगा, आपको उसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर के मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं, इससे आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्राचार्य के मिथुन राशि में प्रवेश की। शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश से इस गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्राचार्य उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे, उस स्थान का संबंध किस चीज से है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्राचार्य मेष राशि में द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं और सप्तन के भी, तो शुक्राचार्य मेष राशि वालों के मार्केश और प्रबल मार्केश दोनों हैं, हानि कर रहे हैं। मान लीजिए कि शुक्राचार्य आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं, तो आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड हानि ही करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपकी जन पत्रिका में वो बेसिकली नुकसानदेह है। तो उसी हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तब ये प्रेडिक्शन तैयार करते हैं, उस हिसाब से हम आपके लिए रेमेडीज देते हैं। तो शुक्र किस व्यक्ति के किस स्थान पर गोचर करेंगे
और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए।